पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हिंसा के बाद हंगामा जारी है। यहां महिलाओं ने टीएमसी नेताओं शाहजहां शेख और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न करने और उसकी जमीनें हड़पने के आरोप लगाए हैं। महिलाएं बीते दिनों से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण का मामला गरमाया हुआ है। संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके दो साथियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर आरोप है कि वे महिलाओं का गैंगरेप कर रहे थे। इस केस में शिबू हाजरा और उत्तम सरदार समेत 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन शाहजहां अब तक फरार है, जबकि कोलकाता हाईकोर्ट ने उसकी फरारी पर सख्त टिप्पणी करते हुए उसे सरेंडर करने को कहा है। शाहजहां शेख टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता है। राशन घोटाले में ईडी ने 5 जनवरी को उसके घर पर रेड की थी, तब शाहजहां के 200 से ज्यादा समर्थकों ने ईडी की टीम पर अटैक कर दिया था। अफसरों को जान बचाकर भागना पड़ा, तभी से शाहजहां शेख फरार है। हालांकि संदेश खाली के लोगों का कहना है कि वो कहीं नहीं गया है, यही है। बंगाल बीजेपी ने महिलाओं के उत्पीड़न और शाहजहां की फरारी को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। यह मामला बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग की नई वजह बन गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि शाहजहां शेख ममता बनर्जी का करीबी है, इसलिए उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। संदेश खाली मुद्दे को महिलाओं के सम्मान से जोड़कर बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है। इससे ममता बनर्जी बुरी तरह फंसी नजर आ रही हैं। शुक्रवार को सांसद लॉकेट चटर्जी की अगुवाई में महिलाओं और वकीलों की एक टीम फिर संदेश खाली जाने पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया। डेलीगेशन और पुलिस के बीच बहस भी हुई। इसके बाद लॉकेट को हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले 16 फरवरी को केंद्रीय मंत्री और महिला सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को संदेश खाली नहीं जाने दिया गया था। बीजेपी के सांसद लॉकेट चटर्जी और तमाम वो लॉयर्स जो पीड़िताओं से मिलने वाले थे, वो संदेश खाली की ओर जाते हैं और तभी पुलिस उनको धारा 144 जो जारी की गई है उसका हवाला देते हुए यहां पर रोक दिया है। इस इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है और आप देखिए चारों ओर से है उन्हें घेर लिया गया है। और अभी के देखिए हम आपको विजुअल सिखा रहे हैं, कोलकाता पुलिस की गाड़ी लाई गई है और उन्हें जो है यहाँ पर लेकर जाएंगे, उनको डिटेन किया जाएगा, क्योंकि लगातार उनको कहा जा रहा है कि धारा 144 जो है वो लागू है, इसलिए वो संदेश खाली नहीं जा सकते हैं। तो तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो यहाँ पर पहुंचे हैं लॉकेट चटर्जी और उन लॉयर्स को रोकने के लिए यहाँ पे तैयारी कर ली गई है कि अब से जो है कुछ ही देर में यहाँ पर जो महिला फोर्स को तैनात किया गया है उनको यहाँ से डिटेन करके लेकर जाएंगे। और बार बार यही कहा जा रहा है कि संदेश खाली में चूंकि कल रात के 9 बजे से जो है 9 जगहों पर फिर एक बार नए सर से धारा 144 लागू की गई है, इसलिए वो वहां नहीं जा सकते हैं। कोलकाता पुलिस के पास जो है डायरेक्शन आया है कि एसपी बसीरहाट जो है यहाँ यहीं पर उनको रोक दे और संदेश खाली तक नहीं जाने दे। लेकिन बड़ा सवाल उठाया जा रहा है लॉकेट चटर्जी की तरफ से कि अगर संदेश खाली में धारा 144 लागू है तो इधर क्यों उन्हें रोका जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में तो धारा 144 लागू नहीं है, तो आखिरकार पुलिस उनको क्यों रोकने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए यहाँ पर जो है हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस ने चारों ओर से उन्हें घेर कर रखा हुआ है और महिला पुलिस यहाँ पे तैनात किया गया है और साथ ही कहा जा रहा है कि वो यहाँ से चले जाएं वरना उन्हें जो है डिटेन किया जाएगा। बीजेपी ने संदेश खाली के मुद्दे पर बंगाल में लोकसभा चुनाव लड़ना तय किया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को संदेश खाली से कुछ दूर बारासात लोकसभा सीट पर एक बड़ी रैली कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना होगा। दूसरी तरफ महिलाओं के साथ यौन हिंसा की खबर और उनकी जमीनें हड़पने की बात सामने आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बाद अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी मामले की जांच के लिए संदेश खाली पहुंची। वहीं संदेश खाली के बाद बरमूजर के ग्रामीणों ने भी जमीन हड़पने के आरोप में फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उसके कुछ ठिकानों को आग के हवाले कर दिया। यह जगह शाहजहां शेख के भाई सिराज की बताई जा रही है। हालांकि संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न के मामले में सीएम ममता बनर्जी ने 15 फरवरी को विधानसभा में अपनी बात रखी थी।
और ममता ने कहा था कि संदेश खाली में तनाव पैदा करने की भयानक साजिश चल रही है और राज्य सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि संदेश खाली में ऐसा क्या है कि वहां विरोधी दल के किसी नेता को नहीं पहुंचने दिया जा रहा। क्या वाकई ममता बनर्जी रेप के आरोपी शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही हैं? इन सवालों के बीच ममता बनर्जी पर शाहजहां शेख के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव करीब है, इसलिए बीजेपी भी महिला मुख्यमंत्री को महिला अस्मिता के नाम पर घेर रही है। टाइम्स नाउ, नवभारत, डिजिटल की रिपोर्ट।